तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ डेविल गेमर्स। और आ चुका है एक और वीडियो के साथ में वापस। आज की वीडियो में यार मेरे लिए मैं तुमको कुछ ड्रिल्स बताने वाला हूँ, कुछ मेरा प्रैक्टिस के लिए ड्रिल्स बताने वाला हूँ क्लोज रेंज की, जिससे यार तुम्हारा क्लोज रेंज बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगा और तुम क्लोज रेंज में काफी ज्यादा बीस्ट हो जाओगे, प्रो हो जाओगे बहुत ज्यादा। मैं मिड रेंज और लॉन्ग रेंज पर भी वीडियोज लाऊंगा ड्रिल के यार, बट लेकिन वो बात में लाऊंगा मैं कमेंट सेक्शन में, तुम जरूर बता सकते हो। बाकी यार आज की वीडियो में यार मैं जो तुमको ड्रिल्स बताने वाला हूँ, जो भी मतलब जितनी ड्रिल्स बताऊंगा इनको अगर तुम रोज प्रैक्टिस करोगे 10 मिनट्स रोज डेली, इनको रेगुलरली में करोगे, तो तुम्हारी यार एम वगैरह बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगा। मतलब तुम्हारा एम गॉड लेवल हो जाएगा, तुम्हारा जिगल वगैरह सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा, तुम्हारी एम ट्रैकिंग, एम एक्यूरेसी सब कुछ इंप्रूव हो जाएगी बिल्कुल मस्त तरीके से। और तुम्हारे हेडशॉट्स पे हेडशॉट्स कनेक्ट होंगे इनको प्रैक्टिस करने के बाद। और तुम्हारा जिगल भी अगर तुम बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हो तो जोनाथन की तरह हो जाएगा, तो लेकिन तुमको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। तो यार मैं आज की वीडियो में तुमको मेरे लिए 3 ड्रिल्स बताने वाला हूं और साथ में एक बोनस टिप भी देने वाला हूं। उसको फॉलो करोगे तो यार तुम्हारा डेफिनेटली क्लोज रेंज में तुम बीस्ट हो जाओगे, तुम्हारा गेम प्ले काफी ज्यादा इंप्रूव होगा। एंड ऑल्सो गाइस, अगर तुमको और भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए कि यार जिगल को हम कैसे ठीक करें या फिर किसी और पे ड्रिल्स, कार स्प्रे ड्रिल्स या फिर कोई मिड रेंज पे ड्रिल्स, तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगले वीडियो में उस पर ही ले आऊंगा। तो यार बिना देर के वीडियो को देते हैं स्टार्ट। बस यार तुमको ड्रिल्स वगैरह को फॉलो करना है। और यार मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, मेरे चैनल पर इस वक्त कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं है क्योंकि यार मेरे एग्जाम चल रहे हैं। बट यार मैंने जैसा तुमको पहले बता रहे अपनी वीडियोज में, मई के बाद मेरी वीडियोज में आराम से कंसिस्टेंसी आ जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार बिना देर के वीडियो कर देते हैं स्टार्ट। एसिड और टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो देखने के लिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनके भी क्लोज रेंज इंप्रूव हो पाए, और मेरे को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लो, वहां पर मैं अपडेट्स वगैरह देता रहता हूं। तो यार बिना देर के इस अमेजिंग वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे मैं तुमको बता देता हूं हमारी ड्रिल नंबर 1 क्या है मेनली। इससे यार हमारी सारी चीजें इंप्रूव होगी, जिगल भी हमारा इंप्रूव होगा, हमारी एम की प्लेसमेंट भी इंप्रूव होगी और हमारे हेडशॉट्स वगैरह भी कनेक्ट होंगे, मेनली हमको क्लोज रेंज में बीस्ट बना देगी। तो तुमको जाना है सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आ जाना है, और यहाँ पर तुमको दो ये जैसे देखने को मिल रहे होंगे जहाँ पर हेलमेट वगैरह सारे इक्विपमेंट्स रखे रहते हैं। तो सिंपली तुमको इसके बीच में आके देखो, सबसे पहले तो ऐसे जिगल करके देखना है तुम्हारा सही से हो रहा है नहीं। और पहले बता दो यार काफी बंदे जिगल ऊपर नीचे करते हैं, तुमको लेफ्ट राइट करना है, ये सही सबसे सही जिगल का तरीका होता है। बाकी जिगल में तुम्हारा काफी ज्यादा एम चोक करेगा और काफी ज्यादा जिगल भी चोक करेगा, दैट्स व्हाई तुम मर जाओगे। जिगल पे प्रॉपर वीडियो लाऊंगा कि ढंग से जिगल कैसे करते हैं, जिगल की ड्रिल्स भी बताऊंगा, वैसे ये भी जिगल की ड्रिल्स है मेनली। तो तुमको क्या करना है, ऐसे जिगल कर करके ना जो बीच का हमारे ये है ना, देखो जो बीच का हमारा पोल है, सिंपली तुमको इसमें एम रखना है, इससे ज्यादा एम हटाना नहीं, अपना जायरोस्कोप या फिर नॉन जायरोस्कोप यूज करके तुम सिंपली इसको कर सकते हो। इससे यार तुम्हारे काफी ज्यादा मतलब जिगल की भी प्रैक्टिस होगी और इसको थोड़ा क्रॉस एयर को ऊपर रख के करना है, इससे हमारी हेड की प्रैक्टिस होगी और साथ में हमारा एम भी काफी ज्यादा एम और एक्यूरेसी इंप्रूव होगी और एम की प्लेसमेंट भी अच्छी होगी। तो सिंपली तुम समझ गए होंगे कि मतलब इसके बीच में ना तुमको जिगल कर करके जो पोल है इस पे एम रखना है और इसको बार बार इसके थोड़ी ऊपर रख के इसके हेड के हिसाब से तुमको मारना है बार बार। और ऐसे तुमको रोज 10 मिनट तक प्रैक्टिस करनी है, तुम्हारा एम डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा और तुम्हारी क्लोज रेंज काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और जिगल भी तुम्हारा काफी ज्यादा मेनली इससे परफेक्ट हो जाएगा। तो तुमको ऐसे करना है, तुम यहाँ पर भी कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। मेनली तुमको इसमें करना है, तुम्हारी गोलियां साइड नहीं जानी चाहिए ज्यादा जैसे मेरी जा रही है, क्योंकि यार मेरी तो देखो इस समय बिल्कुल ही प्रैक्टिस छूटी हुई है। तो तुमको अपने ऐसे करना है और थोड़ा क्रॉस एयर को ऊपर रखना ताकि तुम्हारे हेड की प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन मैं अभी हेड पे भी बताऊंगा बिना देरी के। ये सेकंड ड्रिल बता दे, तो वैसे मैं तुमको बता दे तो हमारी ड्रिल नंबर 2 क्या है मेनली। जैसे मैंने तुमको पहले बताया कि अब मैं तुमको हेडशॉट्स के लिए मेनली बताने वाला हूँ, लेकिन यार इससे तुम्हारी दो चीजें इंप्रूव होगी, तुम्हारा जिगल भी काफी ज्यादा इंप्रूव होगा और तुम्हारे हेडशॉट्स भी कनेक्ट होगा। क्योंकि तुमको पता ही है यार 3-4 हेडशॉट्स कनेक्ट करने होते हैं मेनली और बंदा वहाँ बिल्कुल फिनिश नॉकडाउन हो जाएगा। तो सिंपली तुम इसको प्रैक्टिस कर सकते हो रोज 5 मिनट, ये सारे ड्रिल्स को तुम 5-5 मिनट रोज प्रैक्टिस करो, तुम्हारा डेफिनेटली क्लोज रेंज काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो तुमको एक ऐसा शेक देखने को मिलेगा, सिंपली तुमको यहाँ पर आ जाना है प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस मैप में मेनली। तो तुमको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, तुमको ऐसा कोई शेक देखने को मिलेगा यहाँ पर, तुम आ जाना क्योंकि यार इस शेक में मेनली हो पाती है ट्रेनिंग। तो सबसे पहले तुम देख लो यहाँ पर, अब काफी बंदे समझ चुके होंगे आई बटन से मैंने जैसे दिखाया, ये यार हमारे मतलब इतना है, हमारे मतलब नेक तक का है ये शेक, बाकी हेड पार्ट इसमें नहीं है। तो अब काफी बंदे समझ गए होंगे, तो तुमको क्या करना है यहाँ पर रोज है ना ऐसे आके मतलब प्रैक्टिस करनी है, रोज यहाँ पर बुलेट्स मारनी है। अगर तुम्हारी बुलेट्स शेक में मतलब लग रही है तो तुम्हारा एम अभी खराब है, तुमको अपना इससे तुम्हारे यार क्रॉस रेट काफी ज्यादा ऊपर होगा, इससे तुम्हारे हेडशॉट्स वगैरह जल्दी कनेक्ट होंगे। तो तुम एक टाइम ऐसा आएगा तुम इतनी मास्टरी कर लोगे कि तुम्हारी एक भी बुलेट शेक पे कनेक्ट होगी नहीं। तो सिंपली तुमको इसको आके ऐसे करना रोज, और तुम चाहो तो देखो यार खड़े खड़े कर सकते हो, वरना जिगल कर सकते हो, जिगल करोगे तो यार तुम्हारी जिगल की प्रैक्टिस होगी, वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है। बट जिगल करके देखो जैसे ऐसे करना, और अगर तुम्हारी एक भी गोली कनेक्ट नहीं होना, धीरे धीरे तुम्हारा अपने आप ही क्रॉस रेट ऊपर चलने लगेगा और हेंस हेडशॉट्स वगैरह ज्यादा कनेक्ट होंगे और तुम्हारे जिगल वगैरह इंप्रूव होगा, मेनली तुम्हारा क्लोज रेंज इंप्रूव हो जाएगा। इसको रोज तुमको रेगुलरली प्रैक्टिस आके यहाँ पर करनी है, जिगल करके अपने क्रॉस एयर को ऊपर रख के शेक से ऊपर गोलियां मारना। अगर शेक पे लग रही है तो यार धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, तुम्हारा इंप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से मैं तुमको बता देता हूँ हमारी थर्ड ड्रिल क्या है। अब जो गाइस मैं तुमको तीसरी ड्रिल बताऊंगा यार, इससे हमारी मतलब बिल्कुल सारी चीजें हमारी इंप्रूव हो जाएगी, हमारा क्लोज रेंज बिल्कुल बीस्ट हो जाएगा, गॉड लेवल हो जाएगा अगर तुम रोज डेली रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। सबसे पहले तुमको स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर तुमको अपने खुद के
कस्टमाइज करना है तो मैं तुमको बता रहा हूँ तुमको कैसे कस्टमाइज करना है। सबसे पहले तुमको हेल्थ ऑफ टारगेट और मूवमेंट स्पीड है ना बिल्कुल फुल कर देने, हेलमेट और ये तुमको लेवल 1 का रखना है, फिर तुम अपने हिसाब से भी रख सकते हो। और पार्ट्स तुम अगर हेड शॉट्स की बिल्कुल स्पेसिफिक प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम हेड पे कनेक्ट कर वाला हेड वगैरह रख सकते हो, और बाकी तुमको उसको ऐसे स्टार्ट कर देना, तुम अपना लेआउट वाला सेव भी कर सकते हो। उसके बाद तुमको ना यहाँ पर आकर ऐसे रोज प्रैक्टिस करनी है, इससे मतलब थोड़ा ना अपना जिगल करते हुए प्रैक्टिस करनी है। जिगल मैंने जैसे बताया लेफ्ट टू राइट करना है और आराम से करना है, ज़्यादा फास्ट करोगे तो चोक करता है जिगल, जैसा कि तुमको इतना तो यार अब तक पता चल चुका। अगर तुम अगर टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो रेगुलरली देखते हो, बाकी मैं जिगल प्रॉपर पे भी एक वीडियो लाऊंगा तो तुम देख सकते हो, तुमको ऐसे करना है। और तुमको कोशिश करनी है कि यार इससे हमारे देखो यार एम ट्रेसिंग हमारी मेनली बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी कि हम एम कैसे ट्रेस कर पाते हैं, और इससे हमारे और तुमको ज़्यादा हेडशॉट्स कनेक्ट करने से तुम्हारे हेडशॉट्स वगैरह की भी मतलब प्रैक्टिस होगी और जिगल वगैरह भी काफ़ी अच्छा होगा, एम एक्यूरेसी सब कुछ मेनली इससे इंप्रूव तुम्हारा हो जाएगा, और मेनली एम ट्रेसिंग और हेडशॉट्स की मेनली से प्रैक्टिस होगी। बाकी तुम इसको जिगल करते हुए कर सकते हो, तुम्हारा मेनली डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। तुमको अपना लेआउट सेव कर देना है, और बाकी अगर तुम हेडशॉट्स की स्पेसिफिक कर रहे हो तो तुम सिर्फ हेडशॉट्स कर दो, इससे तुम्हारे हेडशॉट्स इंप्रूव होगी। बाकी मैंने हेडशॉट्स के लिए पहले एक ड्रिल बता दी तो उसको फॉलो करोगे तुम्हारे हेडशॉट्स डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएंगे। बाकी ये सब ड्रिल्स को फॉलो करने यार तुम्हारा डेफिनेटली क्लोज रेंज वगैरह इंप्रूव हो जाएगा, तुम्हारी एम एक्यूरेसी गोल्ड लेवल हो जाएगी, और तुम्हारे जिगल वगैरह जॉनाथन जैसा आराम से हो जाएगा। बस तुमको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है डेली। तो यार यहाँ से मैं तुमको एक बोनस टिप बता देता हूँ, इस बोनस टिप मैं तुमको मेनली 2-3 बताने वाला हूँ, अगर तुम इनको फॉलो करोगे तो तुमको यार बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा गेम में। देखो सबसे पहले तो अपने क्रॉस हेयर को तुमको ना थोड़ा ऊपर रखना है, जैसे काफ़ी बंदे क्या करते हैं नीचे चल के चलते हैं, आई नो उसमें थोड़ा कंफर्ट मिलता है, बट तुमको थोड़ा ऊपर करोगे धीरे धीरे तुमको जब इसकी आदत हो जाएगी ना तो तुम्हारे हेड्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट होंगे। और यार तुम पता क्या करते हो सबसे बड़ी गलती, काफ़ी बंदे सोचते हैं जिगल फास्ट करेंगे तो अरे भाई बंदे को मार देंगे, लेकिन यार जितना हो सके जिगल को स्लो करा करो। दो तरह के जिगल होते हैं, लॉन्ग शॉट जिगल, वो तुम्हारे पहले वाली सिचुएशन पर डिपेंड होते हैं। तो यार देखो जिगल तुमको ऐसे करना चाहिए, पहले अपने दोनों लेफ्ट टू राइट घूमो, और जैसे बंदा अगर बंदा शॉर्ट जिगल कर रहा है तो तुम थोड़ा लॉन्ग जिगल करो, और अगर बंदा बिल्कुल मतलब ऐसे तुम्हारे मतलब बिल्कुल एक तरफ से मार रहा है तो तुम एक तरफ घूमकर उसको मार दो। तो यार जिगल पे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं एक वीडियो लाऊंगा तो, बट यार तुम लेफ्ट टू राइट जिगल करा करो, काफ़ी बंदे अप टू डाउन जिगल करते हैं या फिर बहुत तेज करते हैं, उनका मतलब जिगल काफ़ी ज़्यादा चोक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यार काफ़ी बंदे क्लोज रेंज में ना एकदम से मतलब उनका डर से जाते हैं कि यार एकदम से बंदे आ जाते हैं ना, एकदम से पैनिक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो यार थोड़ा अपने ऐसे माइंडसेट से खेलो, अग्रेसिव माइंडसेट से खेलो, एंड ऑल्सो अपना यार देखो बैठने का पोस्चर भी थोड़ा यार सही से करो, काफ़ी बंदे ऐसे खेलते लेट वगैरह के, बट यार एक चेयर ले लो यार या फिर कहीं बैठ के ढंग से खेलो यार। और अपने मतलब अगर जायरो खेलते हो तो तुम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ना एल्बो का यूज़ करो अपने जायरो वगैरह को शिफ्ट करने के लिए, तुमको डेफिनेटली बेनिफिट देखने को मिलेंगे। और अपने फ़ोन को ना यार ज़्यादा टाइट मत पकड़ा करो, नॉन जायरो प्लेयर हो या जायरो प्लेयर हो, फोन को अपने मतलब ढीला ही पकड़ा करो थोड़ा, और पोस्चर वगैरह अपना जैसा तुमको कम्फर्ट मिले। बट यार ऐसा भी नहीं कि तुम ऐसे लेट वगैरह के खेल रहे हो, आराम से बैठ के खेलो जब भी मतलब जायरो में, तो तुमको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। और यार तुमको हर चीज़ में बेनिफिट देख लेंगे, सिटिंग पोस्चर वगैरह सुधारो, जिगल ढंग से करो, अपने क्रॉस हेयर को ऊपर करो, डेफिनेटली तुमको क्लोज रेंज में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, तुम्हारे हेडशॉट्स वगैरह इजीली कनेक्ट होंगे, एंड ऑल्सो तुम्हारा जिगल वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा। और बाकी यार ये सारी ड्रिल्स तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारा एम ट्रेसिंग और एम एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ मेनली बहुत अच्छी तरह इंप्रूव हो जाएगा। बाकी यार इस ड्रिल्स को तुम फॉलो करो मेनली तुम्हारी एम एक्यूरेसी एम ट्रेसिंग से लेकर मतलब जितनी भी हमारी होती है हेडशॉट्स वगैरह कनेक्ट करना जिगल वगैरह से, सब कुछ तुम्हारा इंप्रूव हो जाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि यार मैं जिगल पर भी वीडियो बनाऊँ कि यार कब तुमको शॉर्ट जिगल करना चाहिए या फिर मतलब कैसे प्रॉपर जिगल करते हैं, हमारा जिगल चोक ना करे जिससे हमारा फोन भी यार काफ़ी बार चोक कर जाता है, तो यार उस पर मैं एक वीडियो बनाऊँ तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। बाकी तुम अपने जैसा मैंने तुमको बताया कि यार जिगल को लेफ्ट टू राइट करा करो, सिटिंग पोस्चर ठीक करो, जिगल थोड़ा स्लो करा करो, और क्रॉस हेयर को ऊपर रखा करो, इससे तुम्हारा मेनली क्लोज रेंज में तुमको बीस्ट कर देगा। तो यार यही थी वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का इसको शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और इसकी रीच बढ़े। और तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय एंड टेक केयर, और मेरे को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लेना, वहाँ मैं अपडेट्स देता रहता हूँ।